हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है फैब्री पैरेट इंटरफेरोमीटर। आज हम जो है फैब्री पैरेट इंटरफेरोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दिया है प्रिंसिपल, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। जो फैब्री पैरेट इंटरफेरोमीटर है वो प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शंस पर बेस्ड है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन के वजह से जो इंटरफेरेंस हमें मिलता है उस चीज पर बेस्ड है। उसके बाद दिया है कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ टू थिक ग्लास और क्वार्ट्ज प्लेट्स प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। इस इंटरफेरोमीटर में दो थिक ग्लास होता है, दो थिक ग्लास के प्लेट्स होता है या दो क्वार्ट्ज के प्लेट्स होता है जो एक दूसरे के साथ पैरेलल है। सो दैट अ फर्म और प्लेट ऑफ एयर इज इनक्लोज बिटवीन देम, ताकि उन दोनों के बीच में जो एयर है वो इनक्लोज हो जाए, एक फर्म या प्लेट ऑफ एयर जो है उन दोनों के बीच में बंद हो जाए, जो कि यहाँ पर फिगर में दिखाया है, फिगर फर्स्ट में। दिस एयर फिल्म फॉर्म्स द मीडियम इन विच मल्टीपल रिफ्लेक्शंस अक्वेयर, और ये जो एयर फिल्म है वो वही मीडियम है जिसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होता है। द इनर सरफेस ऑफ द प्लेट्स आर कोटेड विथ सिल्वर और एल्यूमिनियम, और ये जो प्लेट्स है, ग्लास प्लेट्स GP1 GP2, उसका जो इनर वाला सरफेस है वो जो है कोटेड होता है सिल्वर से या एल्यूमिनियम से। द कोटिंग इज थिन इनफ टू मेक द सरफेस पार्शली रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, ये जो कोटिंग है वो थिन इनफ है कि वो पार्शली रिफ्लेक्शन होने दे। द ऑप्टिमम थिकनेस ऑफ सिल्वर कोटिंग इज अराउंड 50 nm, और जो ऑप्टिमम थिकनेस है सिल्वर कोटिंग का वो अराउंड 50 nm होगा। फिर उसके बाद दिया है वर्किंग, द ट्रांसमिटेड बीम ऑफ लाइट आर ब्राउट टू फोकस ऑन द स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ लेंस L। अब ये जो प्लेट से बीम ऑफ लाइट ट्रांसमिट होगा उसको हमने लेंस L का यूज करके फोकस पे लाया है। हम सपोज करते हैं कि जो सेपरेशन है पार्शियली रिफ्लेक्टिंग लेयर के बीच में वो D है, और अगर पॉइंट P जो है वो पॉइंट है जहाँ पे ये सारे रेज जो है वो फोकस होता है, तो ये जो पॉइंट है वो मैक्सिमम तब होगा जब 2D cos थीटा जो है वो P लैम्डा के बराबर होगा, जहाँ पर P जो है 0, 1, 2, 3 सो ऑन के बराबर है। सो अ वेल डिफाइंड इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन, तो हमें जो है एक वेल डिफाइंड इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा। द फ्रिंज पैटर्न कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क सर्कुलर रिंग्स विद सेंटर ऑन द ऑप्टिक एक्सेस ओ। अब जो फ्रिंज पैटर्न है उधर हमें जो है सर्कुलर रिंग्स देखने को मिलेगा जो कि अल्टरनेटली डार्क और ब्राइट होगा। अगर हमें पहले जो है एक ब्राइट रिंग दिखा तो फिर उसके बाद डार्क रिंग आएगा, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऐसे जो है हमें फ्रिंज पैटर्न देखने को मिलेगा। और उसका सेंटर जो है, जो सर्कुलर रिंग्स का सेंटर जो है वो ऑप्टिकल एक्सिस ओ पे प्रेजेंट होगा। इन एक्चुअल इंटरफेरोमीटर वन प्लेट इज केप्ट फिक्स्ड व्हाइल द अदर इज केपेबल ऑफ मूविंग स्लोली टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम इट विद द हेल्प ऑफ अ स्लो मोशन स्क्रू। और एक्चुअल इंटरफेरोमीटर में एक प्लेट जो है वो फिक्स्ड होता है, जबकि जो दूसरा है वो जो है उसको हम मूव कर सकते हैं स्लोली टूवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द प्लेट, फर्स्ट प्लेट जो कि फिक्स्ड है, विद द हेल्प ऑफ अ स्लो मोशन स्क्रू, स्लो मोशन स्क्रू का यूज करके, ठीक है, उसके हेल्प से। दस द थिकनेस ऑफ एयर फिल्म कैन बी चेंज, तो ये जो थिकनेस है एयर फिल्म का उसको हम चेंज कर सकते हैं। द रेडियस ऑफ द रिंग डिपेंड्स अपॉन द वेव लेंथ, सो इफ द सोर्स कंसिस्ट ऑफ टू वेव लेंथ देर विल बी टू रिंग्स ऑन द स्क्रीन हूज रेडियस कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली। जो रेडियस है रिंग का वो उसके वेवलेंथ पे डिपेंड होता है, और अगर दो वेवलेंथ है तो हमें दो रिंग्स मिलेगा जिसका रेडियस अलग होगा।
Thus, the interferometer can be used to compare the two wavelengths and also for the analysis of a single spectral line. तो ये जो interferometer है वो हम दो wavelengths को compare करने के लिए use कर सकते हैं और single spectral line के analysis के लिए भी use कर सकते हैं. The ring pattern of Fabry-Perot interferometer is extremely sharp in comparison to the ring pattern obtained with the Michelson interferometer. जो रिंग पैटर्न है Fabry-Perot इंटरफेरोमीटर में वो बहुत ही शार्प होता है एज कम्पेयर टू द रिंग पैटर्न जो कि हमें Michelson इंटरफेरोमीटर में मिलता है. हेंस Fabry-Perot इंटरफेरोमीटर इज वेरी यूजफुल फॉर रिजॉल्विंग वेरी स्मॉल वेवलेंथ डिफरेंसेस. तो ये जो Fabry-Perot इंटरफेरोमीटर है वो बहुत ही यूजफुल होता है स्मॉल वेवलेंथ डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने में. ठीक है. द फ्रिंजेस मे बी ऑब्टेन विथ प्लेट सेपरेशन अप टू 10 सेंटीमीटर. फ्रिंजेस जो है हमें मिलता है जब प्लेट के बीच में सेपरेशन जो है अप टू 10 सेंटीमीटर होता है. द इंटरफेरेंस पैटर्न कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स विथ ओ एस सेंटर. और जो इंटरफेरेंस पैटर्न है उसके अंदर कंसेंट्रिक रिंग्स होता है जिसका सेंटर है ओ. ईच रिंग करेस्पॉन्ड टू अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा. और हर रिंग जो है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा से रिलेटेड होगा. यहाँ पर फिगर फर्स्ट जो है वो दिया है. फिगर फर्स्ट में हमने यूज किया है एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट एस का और दो ग्लास प्लेट है GP1 और GP2 जिसका जो इनर वाला एरिया है वो कोटेड होगा सिल्वर से और इसी के अंदर हो रहा है मल्टीपल रिफ्लेक्शन पार्शियली रिफ्लेक्शन हो रहा है इसके अंदर बहुत सारे रिफ्लेक्शन है तो हो गया मल्टीपल रिफ्लेक्शन. और यहाँ से जो रेज आता है पार्शियली रिफ्लेक्ट होगा तो आधा ट्रांसमिट भी होगा. ठीक है. तो यहाँ से जो रेस बाहर की तरफ आता है जो ट्रांसमिटेड बीम्स है वो लेंस एल जो है वो पी पे फोकस करता है. तो यही है आज का टॉपिक. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.